जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। तो संगवारी हो, आज मैं अपन पहले लेके आऊँ हमारे छत्तीसगढ़ के स्वाद, हमारे छत्तीसगढ़ के स्वाद छत्तीसगढ़िया मुरको के रेसिपी। जी हाँ संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ में ना गर्मी के दिन में एक प्रकार से मुरको बना के रखे जाते हैं, जेला हमन बरसात के दिन में ठंडी के दिन में तेल में फ्राई करके फोड़ के खाथन, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते। तो कैसे आप मन हा साबुत चावल से ये छत्तीसगढ़िया मुरको ला बना के तैयार कर सकता हूँ, आओ मैं बताता हूँ। उम्मीद है आप मेरा पसंद जरूर से आई। अगर पसंद आई ये वीडियो है तो वीडियो लाइक लाइक जरूर कर दूँ, शेयर कर दूँ, और जो भी नवा थे परिवार से जरूर सब्सक्राइब कर दूँ। आप फिर शुरू कर लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़िया मुरको बनाए बर आप मन चाहिए वही साबुत चावल। अब एक कोई दुविधा नहीं है, आप मन कोई भी नया पुराना चावल ले सकते हो। नया चावल है बहुत अच्छा है, पुराना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चावल के इस्तेमाल करे जा सकते। आधा किलो में यहाँ चावल ले हो, लगभग दो गिलास होते मुर्गा जो गिलास है उनमें एक गिलास एक पाव के होते, तो दो गिलास चावल यानी कि आधा किलो चावल जिला चार पानी धो दे हूँ मैं यहाँ और धो के रखे हूँ। एक बार कुछ मसाला चाहिए जैसे कि जीरा और एक लाल मिर्ची के पाउडर है, नमक हवे, सोडा हवे और तिली हवे, मैं इतना कुछ डाला था। एक अलावा आप मतलब जो भी और डालना है डाल सकते हो, जैसे कि धनिया के पत्ती हो गए, हरी मिर्ची, अदरक हो गए, पीस के सब चीज़ें डाल सकते हो। अब एक कढ़ाई में चढ़ा दे हूँ, कोई भी भारी तला वाले बर्तन आप मतलब लेना है तो मैं कढ़ाई ले हूँ, काबर की कढ़ाई काफ़ी मोटा होते। अब एमी जैसे कि दो गिलास हमन है चावल लेना है ना, तो दो गिलास के हिसाब से एमी दस गिलास पानी चाहिए, यानी कि एक गिलास चावल में पाँच गिलास पानी और दो गिलास चावल में दस गिलास पानी चाहिए। तो आप मन जितना भी बना था तब आप के बना हो ताकि पानी भी आप मना डाल सको। जैसे एक कटोरी की आप मन बना था तो पाँच कटोरी आप मन पानी डालो, एक गिलास के बना था तो पाँच गिलास, दो गिलास के बना था तो दस गिलास, अगर ज़्यादा के बना था तो आप मना देख लो, बस आप मना मात्रा बढ़ा जाना है। एक जिसे पानी हल्का से गर्म हो जाए ना वैसे चावल ला बढ़िया से रमन देना है, काबर की चावल ला मैं पहले ही भिगो दे रहा हूँ लगभग आधा घंटा पहले, तो बहुत अच्छा से ये मसला आ जाते, तो हाथ के सहायता से काफ़ी अच्छा से मसलना है जेकर से चावल बारीक हो जाए और बहुत जल्दी पक जाए। तो ये बात ला आप मन ध्यान रखो और इस स्टेप ला जरूर से करो। एक थोड़ा से गर्म हो पानी जेमें मैं चावल ला डाल दे हूँ। अब चावल ला बढ़िया से पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है आँच ला, शुरुआत में आप आँच तेज कर सकते हो पर हाँ लास्ट लास्ट में आप मतलब बहुत कम आँच में ही पकाना है, तो ध्यान दो। लगभग आप मतलब 15-20 मिनट लगी, 20 मिनट में आपके चावल पक्के तैयार हो जाए। और कब तक पकाना है ये भी मैं बताऊँ, वीडियो जरूर से थोड़ा लंबा हो पर आप मतलब मैं पूरा दिखाए की कोशिश करे हूँ, बढ़िया से बताए की कोशिश करे हूँ, तो आराम से देखो संगवारी हो, स्किप जान करो ताकि आप मन समझ पाओ। और आप मन हड़बड़ी में फिर का कर देता हो, गड़बड़ी कर देता हो, स्किप कर देता हो और आप मन फिर आगे के ला देख लेता हो और फिर कमेंट करता हो दीदी हमारे मन से नहीं बनी, बिल्कुल बनी, बस आप मन ध्यान दो। जैसे आपके चावल हम पक जाए ना आप मतलब नमक ला डाल देना है, सोडा ला डाल देना हवे, जीरा ला भी डाल देना हवे, ये देखो, और तिली ला भी डाल देना है, मिर्ची ला भी आप मन ही कर डाल सकते हो पर मैं थोड़ा देर में डालूँ करके रख दे हूँ। जीरा से आपके मुर्गों के कलर थोड़ा से बदल जाए, अगर आप मतलब एकदम सफ़ेद सफ़ेद वाले मुर्गो चाहिए तो आप मन जीरा ला झंड डालो या फिर जीरा ला एकदम लास्ट में डालो, काबर की जीरा थोड़ा से कलर छोड़ते जेकर से मुर्गो या पापड़ के रंग थोड़ा बदल जाते। एक सब चीला डाले के बाद में इला मैं हम मिक्स कर दे हूँ। अब एक आप मतलब लगातार चलाना है, बिल्कुल भी सुस्ताना नहीं है, अगर आप मन सुस्ता हो तो आपके जो मुर्गो के जो पकत हुए भात है ना वो है नीचे से चिपक जाए और बिल्कुल अच्छा स्वाद नहीं दे। एक वजह से कहा था कि आप मल्ला एकदम लगातार चलाना है, हाँ थोड़ा देर आप मन हाँ सुस्ता सकते हो एकदम थोड़ा से, बाकी आप मल्ला इला चलाते ही रहना है। मिर्ची पाउडर अभी मैं डाल दे हूँ, एक हम यहाँ रेडीमेड मिर्ची पाउडर डाले हूँ, आप मन कूट के भी डाल सकते हो, जला चिली फ्लेक्स कहे जाते हैं या कूटे हुए लाल मिर्ची भी कहे जाते हैं, एकर से थोड़ा से चटपटा वाले स्वाद जो है आ जाए यानी कि तीखापन आ जाए, एकर वजह से मैं डाले हूँ, बाकी आप मन के ऊपर है, अगर आप मला नहीं पसंद तो आप मन झंड डालो। एकर सब चीला डाले के बाद में बहुत अच्छा से इला मिलाना है, अभी हमारे घोल नहीं पके हवे यानी कि हमारे चावल अभी नहीं हो हवे, अभी इला और भी पकाना है। ये जब काफ़ी अच्छा से गाढ़ा हो जाए काफ़ी अच्छा से, और ये देखो आप मना जब ये ऐसे हो जाए तब जाके ये पक्के तैयार हो चुके हैं। आप मतलब बहुत ज़्यादा एला और गाढ़ा नहीं करना है, काबर के अभी एला हमला ठंडा भी करना है, जब ये ठंडा हुई तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। तो एक आप मन कर दाल गलाए के हो ही सबके घर में इजी अवेलेबल होते उपलब्ध होते और छत्तीसगढ़ में तो भाई हर घर में ज़रूर से होते, तो एक तरीका से दाल गलाए के है ना वो आप मन अच्छा से दरघोड़ दो, अच्छा से सोड़ दो, जेकर से चावल के मोटा मोटा कण हुई ना वो बढ़िया से मिक्स हो जाए और एकदम अच्छा से घुल जाए, बिल्कुल अच्छा से लुगदी जैसे जब बन जाए ना एकदम लुगदी जैसे बनते वैसे, तब आप मन लो उतार लेना है जैसे कि आप मतलब देखे से भी पता चला हो।
इमें उतार ले हूँ। अब इला थोड़ा सा मैं ठंडा कर ले हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ठंडा हो हवे, इतना ठंडा कि हाथ सही सके और इला हमन आसानी से पकड़ के कर मुर्को बना सकें। तब बस संगवारी हो, मैं आप मतलब कोई साचा नहीं और कोई प्रकार की मशीन नहीं, झिल्ली से ही बनाए बर बताऊँ आसान तरीका से कैसे आप मन दूध के थैली, नमक के थैली या फिर पोहा की थैली या तेल के थैली में बना के तैयार कर सकते हो ये मुरकूला। एक बार मैं पोहा के जो है पॉलीथीन आते ओला झिल्ली ला ले हूँ जो मैं पोहा आते। अब एक किनारे जो सिल पैक रही थी ओला मैं हल्का से काटा था और थोड़ा से जो है बचा हुआ पूरा ना निकाट देना है ना। अब ये देखो जितना मोटा या पतला मुरकू बनाना है उसके हिसाब से किनारे ला कट करके अलग कर देना है। अब इमें हल्का से पानी लगाना है, तेल झन लगा हो, पानी काफ़ी हुई। अब इमें जितना कन आप मन हाथ में पकड़ सका उतना डालना है हमारे जो चावल का मिक्सर है ओला, और ये तरीका से गोल गोल मुरकू बना के तैयार करना है। एक मैं बहुत अच्छा से दिखा नहीं पाया कि मैं कैसे घुमाता हूँ, पर मैं यहाँ एक से पहले और भी अपन चैनल में वीडियो डाले हूँ, आप मन ओला भी जाके चेक कर सकते हो मुरकू के, जो कि काफ़ी अच्छा आपन के सपोर्ट मिला थे हमें, बहुत अच्छा वो जो वीडियो है चला था वह अभी, तो आपन जाके ओला भी चेक कर लो। देख रहा बस संगवारी हो, आप मल्ला जिसे जलेबी बनते ना बिल्कुल वही तरीके से घुमाना है और बीच में ला के ला छोड़ देना है। अगर आपन किनारे में ही छोड़ दो ना तो तले के समय और सूखे के समय ही एकदम अलग अलग हो जाए, तब बस आप मल्ला घुमा के एकदम बीच में ला के ही छोड़ना है, ये बात के आपन ध्यान रखो। बहुत जल्दी आप मन पर और अच्छा अच्छा वीडियो में लेके आने वाला हूँ ऐसे ही मुरकू के पापड़ के कोड लेके, तो आप मन देखे भर झन बुला हो। जिन मन नवा हुई हमारे चैनल में पहली बार देखा तो मोर वीडियो वाला सब्सक्राइब जरूर कर लो संगवारी हो, ताकि आप मन हाँ मोर और आने वाला वीडियो वाला देख सको, लाभ उठा सको और अपन छत्तीसगढ़ के स्वाद ला चख सको। तो एक बहुत अच्छा से हमारे मुरकू हाँ बन चुके हवें, जैसे कि आप मन वीडियो में दिखत हुई, और ये एक पर्रा और एक ठो पर्रा मऊ मतलब आधा किलो से दो पर्रा मुरकू बन के तैयार होगी सवे। साइज आप मन अपन हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हो, मैं मीडियम साइज बना हूँ, आप मन एक से भी बड़े साइज के बना के तैयार कर सकते हो। मैं बढ़िया से बना के तैयार कर ले हूँ मुरकूला, अबेला सुखान दे थन, हाँ थोड़ा मोटा ही बना हो, अगर पतला बना दो तो सूखे के बाद एकदम खड़खड़ा एकदम पतला हो जाए, इतना मोटा बना हो तो सूखे के बाद मैं देखो कैसे पतला हो गए तिला। ये सूखे के बाद की वीडियो हरे संगवारी हो। अब हाँ आप मतलब अगर दिक्कत आई कपड़ा में से निकाले पर मुरकूला, तो आप मन एक काम करो जो कपड़ा में मुरकू बना हो ना ओमें आप मन पानी ला दरब दो, यानी कि पानी के छीटा दे दो बहुत अच्छा से, कपड़ा गीला गीला हो जाए इस टाइप के, और आसानी से आप मन मुरकूला फिर निकाल लो। और ये तरीका से लगभग एक से दो दिन के घाम में मोर मुरकू सूख के तैयार हो चुके हवे। और अगर आप मतलब देखना है कि पानी किसे दरबना है तो मोर और भी वीडियो है ओला जाके चेक करो, जमीन में बहुत अच्छे से बताऊँ। अब ये सूख के तैयार हो चुके हैं दो दिन में, अब इला मैं फ्राई करके भी आप मतलब दिखा देता हूँ। तो चलो फिर हमारे मुरकूला बढ़िया से तल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे बढ़िया फूटते कि नहीं फूटा है, और हमारा जो मेहनत है वो कामयाब हो है कि नहीं हुए है ना। एक बार तेल गरम कर लेना है, तेल काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए, मैं आप मतलब कम गर्म तेल में भी तल के दिखाता हूँ और तेज़ गर्म तेल में भी तल के दिखाऊँ। एक बार तेल काफ़ी ज़्यादा से गर्म नहीं हुए मतलब कम गर्म तेल है, जिमें जब मुरकूला में डाले हों तो ये थोड़ा लाल हो चुके हैं देख सकता हो, तो एक वजह से अच्छा ज़्यादा गर्म तेल में ही मुरकू या पापड़ डाल के तलना है आप मतलब, जिकर से बहुत जल्दी आपके मुरकू या पापड़ है तला जाए। ये देखो कुछ ऐसे और बढ़िया से अपन आकार से डबल यह हो जाए, एक स्वाद काफ़ी अच्छा लगी संगवारी हो, मुर घर सब पसंद करी सवे, आप मन हाँ बना के देखो लेकिन मतलब भी काफ़ी अच्छा पसंद है इसे हाँ। तो ये तरीका से आप मन हाँ साल दो साल भर स्टोर करके भीला रख सकते हो बना के, हमन तो अधिकतर ये तरीका से बनाता हन, और शायद यूट्यूब में आप मतलब ये प्रकार की वीडियो नहीं मिली, मैं पहली भी डाले रहा हूँ उस समय मुला काकरो वीडियो नहीं दिखे रही सब, तो आप मन हाँ ये तरीका से जरूर से बना के देखो और खा के देखो। तब संगवारी हो एकदम तेज़ तेज़ गर्म तेल में ही आप मतलब इसे फ्राई कर देना है, ला ऐसे फ्राई करे के बाद में निकाल लेना है, और जब कभी भी चाय के साथ कुछ ऐसे खाए के मन ही तो आप मन ला इंजॉय कर सकते हो। चलो मैं आप मतलब दिखाता हूँ कितना कुरकू रहते ला तोड़ के भी। एक हम यहाँ बढ़िया से मुरकूला फ्राई कर रहे हूँ, जिमें लाल मिर्ची डला है, जीरा डला है, जेकर वजह से कर कलर ऐसे है, अगर आप मन लाल मिर्ची और जीरा नहीं डालू तो अगर कलर एकदम सफ़ेद सफ़ेद हुई। ये देखो कितना कुरकुरा मस्त बन के तैयार हुए हमारे छत्तीसगढ़िया मुरकू है। तो कैसे लगे संगवारी हो आप मतलब हमारे ये स्वाद पसंद है ना, तो आप मन भी जरूर से इस तरीके से बना के देखो, या आप मन कौन तरीके से बनाता हो एला भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो चलो फिर मिलते हो आपसे जल्दी एक नवा वीडियो के साथ, तब तक मुला देवी नमस्कार।